एकादश भाव। इस भाव की गिनती त्रिस्खड़ाय भाव और उपचय भाव दोनों भाव में किया जाता है। इस भाव से बड़े भाई बहन, इनकम, संतान के जीवन साथी, इच्छा पूर्ति के लिए विचार किया जाता है। कोई भी इच्छा पूरी होगी या नहीं वो एकादश भाव के स्वामी की स्थिति पर निर्भर करता है। बड़े भाई बहन से संबंध कैसा रहेगा एकादश भाव के स्वामी पर स्थिति निर्भर करता है। जीवन में लाभ की स्थिति कैसी होगी इसके लिए भी इसी भाव को देखा जाता है। एकादश भाव है इसलिए इस भाव के भावेश को एकादशेश कहते हैं। चूंकि इस भाव से लाभ यानी आय इनकम के लिए विचार किया जाता है तो आयेश और लाभेश भी कहा जाता है। अगर एकादशेश लग्न में बैठ जाए तो क्या होगा। जातक के जीवन में एकादशेश के बलाबल के अनुसार कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, कभी भी उसको दूसरों के सामने हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे और न ही उसके जीवन में लोन की स्थिति उत्पन्न होगी। बड़े भाई बहन का भी सहयोग रहता है। लगभग जीवन में सभी इच्छाएं पूरी होती है। लाभेश अगर धन भाव में बैठे तब क्या होगा। लाभ भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ भाव धन भाव में गया है। यहाँ जो भी जातक के पास अर्निंग आएंगे, जातक जो भी पैसे कमाएगा, जातक का ज़्यादातर वो पैसा सेविंग में जाएगा, बचत में जाएगा और ये धन के दृष्टिकोण से एक श्रेष्ठतम स्थिति है। बड़े भाई बहन का भी सहयोग होता है। जातक के धन से उसके बड़े भाई बहन और हर एक सदस्य को सुख मिलता है। लाभेश तीसरे भाव में हो तो तीसरा भाव मेहनत, साहस, पराक्रम का भाव है। जातक अपने जीवन में पुरुषार्थ से, मेहनत से, पराक्रम से अपने सभी प्रकार की इच्छाओं का पूरी करता है और वो जितना संघर्षशील होगा, मेहनती होगा, उसके संघर्ष के और मेहनत के अनुकूल ही उसके जीवन में लाभ की स्थिति आएगी। लाभेश चतुर्थ भाव में बैठे, लाभ का स्वामी अपने से छठे भाव में गया, सुख भाव में गया। यहाँ पर विचारणीय ये हो जाता है कि लाभ स्थान का स्वामी सुख स्थान में गया है तो कम्बिनेशन को मिलाइए, कम्बिनेशन बहुत अच्छा पकड़ रहा है। जातक का पैसे से उसकी माता को सुख होगी, जातक अपने धन से मित्रों को सहयोग करने वाला होगा, उसको भूमि भवन वाहन की सुख होगी। हर प्रकार का देखें कि एकादश भाव यानी इच्छा पूर्ति भाव का स्वामी संपर्क बनाया चतुर्थ भाव से तो जीवन में जमीन जायदाद, भूमि भवन वाहन का भरपूर सुख मिलेगा। भरपूर सुख कहने का तात्पर्य ये है कि एकादशेश का जितना बल हो, एकादशेश जितना बलाबल के अनुसार बैठा हो उसी बलाबल के अनुसार वो अपनी महादशा या अंतरदशा में फल करेगा। लाभेश पंचम भाव में ये श्रेष्ठ स्थिति है कि लाभ का स्वामी चला गया बुद्धि के घर में। जातक अपने जीवन में बुद्धि से, अपने ज्ञान से धनार्जन करता है और यहाँ पर जो बैठेगा वो अपने ही भाव को देखेगा लाभेश। तो उस स्थिति में एकादशेश के अपने बलाबल के अनुसार, क्योंकि एकादश भाव का स्वामी त्रिकोण से संबंध बना लिया, शुभ भाव से संबंध बनाया, तो उसके जीवन में धन की अत्यधिक स्रोत उसके संतान, उसके संतान के जीवन साथी, बड़े भाई बहन के ऊपर ज़्यादा खर्च होंगे। लेकिन ये एक श्रेष्ठ स्थिति है। लाभेश अगर छठे भाव में चला जाए ये श्रेष्ठ स्थिति नहीं है। कारण लाभ का स्वामी कर्जे के घर में चला गया है तो यहाँ पर जातक को एकादशेश की महादशा या अंतरदशा में कर्ज से संबंधित समस्या होगी, जातक को कर्जे लेने पड़ सकते हैं, जातक को आय के बजाय व्यय ज़्यादा होंगे। यहाँ पर बड़े भाई बहन का स्वामी भी लड़ाई झगड़े के घर में चला गया है तो कई बार बड़े भाई बहन से भी लड़ाई झगड़ा होता है, इच्छा पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है एकादशेश का छठे भाव में जाना। कोई ऐसा लग्न हो जिसमें षष्ठेश और एकादशेश कोई एक ही ग्रह बनता हो और वो यदि छठे भाव में बैठा हो तो उस पर हम विचार कर सकते हैं कि वो ग्रह विपरीत राजयोग में है या नहीं है। लाभ भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो,
जातक का जीवन साथी प्रोफेशनल होगा, चाहे स्त्री की कुंडली हो या पुरुष की कुंडली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये अच्छा संकेत है कि लाभ का स्वामी बिजनेस के घर में, व्यापार के घर में गया है। तो जातक को व्यापार से लाभ होंगे, जातक को बिजनेस पार्टनर से लाभ होंगे, जीवन साथी से लाभ होंगे। जातक का विवाह के बाद एक तरह से देखें तो लाभ के दृष्टिकोण से आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत होगी। लाभेश अष्टम भाव में, दरअसल ये भी एक श्रेष्ठ स्थिति नहीं है, क्योंकि लाभ का स्वामी अष्टम के घर में चला गया, हानि के घर में चला गया। लेकिन गौर कीजिए कि क्या ये हर परिस्थिति में ऐसा ही करेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो बुरा भाव या संघर्ष का भाव होने के बावजूद भी अष्टम भाव से विरासत में धन प्राप्ति, लॉटरी सट्टे का भी योग बनता है। तो कोई ऐसा लग्न हो जिसमें अष्टमेश और एकादशेश एक ही ग्रह बनता हो तो उसमें विपरीत राज्यों की कंडीशन विचार कर सकते हैं। अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाए, यानी लाभेश का भी संपर्क हो अष्टम भाव के साथ, धनेश का भी संपर्क हो, और कहीं ना कहीं भाग्येश का भी संपर्क बन जाए दृष्टि युति नक्षत्र सबलॉर्ड के थ्रू, राशि के थ्रू, तो समझ लीजिए कि विरासत में धन प्राप्ति का भी योग बनाता है, ससुराल पक्ष धनवान मिलने का भी ये योग बनता है। और यूं कहें कि ऐसे जातक का विवाह किसी अभिजात वर्ग में होने की संभावना बनती है। लेकिन मैं पुनः बता दूं कि ऐसी स्थितियां बहुत कम ही देखने को मिलती है जहां पर कि लाभेश अष्टम भाव में शुभ फल करें। आ जाइए नवम भाव में, एकादश भाव का स्वामी अपने से एकादश भाव में भाग्य भाव में गया है। ये भाग्य भाव शुभ भाव है, त्रिकोण का भाव है, और इस भाव को वृद्धि का भाव कहा गया है। किसी भी भाव का स्वामी नवम भाव से संपर्क बनाता है तो उस भाव की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर लाभ की वृद्धि होंगे, जातक के जीवन में भाग्य से पैसे आएंगे, एकादशेश अपने बलाबल के अनुसार जातक के जीवन में धन की कमी कभी नहीं रहेगा, उसकी इच्छा देर सवेर पूरी अवश्य होगी, पैतृक संपत्ति उसको मिलेगी, विदेश यात्रा से लाभ मिलेगा, जातक धार्मिक होगा, उच्च शिक्षित होगा, भाग्य का उसे सहयोग मिलेगा। लाभेश दशम भाव में कैरियर के घर में बैठेगा, तब क्या होगा? यहाँ पर लाभेश कैरियर के घर में जाएगा, कर्म के घर में, तो जातक अपने कर्म से अपनी इच्छा की पूर्ति करने वाला होगा। जातक जितना कर्मठ होगा, जितना कर्मवीर होगा, उसी के अनुकूल उसकी इच्छा पूरी होगी। और यह एक अच्छा संकेत है कि जातक जब कर्म करेगा तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि एकादश भाव प्राप्ति का भाव है, सफलता का भाव तो चतुर्थ भाव है। तो इसमें यह भी है कि अगर कोई भी प्लैनेट दशम में बैठता अपनी सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा तो चतुर्थ दशम और एकादश का कॉम्बिनेशन तो बन ही गया, सफलता प्राप्ति आजीविका कर्म, ये तो कॉम्बिनेशन बन ही गया, संपर्क तो बन ही गया। तो इसमें यह है कि जातक का करियर लाभ के लिए अच्छा रहेगा, या यूं कहें कि जातक को कम ही मेहनत में सफलता मिलेंगे, जातक कम मेहनत किया और सफलता उसे तुरंत मिलेगी, और ज़्यादा मेहनत किया तो और ज़्यादा सफलता मिलेगी। निर्भर करता है कि एकादशेश किस स्थिति में है, एकादशेश कितने बलाबल के साथ है, उसके साथ ही हमें दशमेश और चतुर्थेश को भी देखना होगा, क्योंकि कोई ग्रह किस भाव से संपर्क बना रहा है उस पर भी विचार करना होता है। लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में ही बैठे, ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति बन जाएगा, क्योंकि एकादश भाव का स्वामी एकादश भाव में ही बैठेगा। वैदिक ज्योतिष में तो यह शुभ होगा ही होगा, केपी ज्योतिष में भी यह शुभ होगा। एकादश को महत्वपूर्ण माना गया है और वैदिक में भी एकादश को महत्वपूर्ण माना गया है, इच्छा पूर्ति के लिए, किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर प्राप्ति भाव का स्वामी अपने ही भाव में बैठा, उस स्थिति में जातक के जीवन में आय की स्थिति एकादश से स्वाभाविक सी बात है कि स्वराशि का हो जाएगा, तो बलवान तो होगा ही, बाकी षडबल अष्टक वर्ग और भीमसपक बल में भी, नवांश कुंडली में भी, भाव चलित में भी, हमें उसकी स्थितियां देखनी पड़ेगी कि वो किस बलाबल के अनुसार है। जीवन में अधिकांश इच्छा की पूर्ति उसे हो ही जाती है। लाभ भाव का स्वामी व्यय भाव में, यानी खर्च के भाव में बैठे, तब क्या होगा? देखिए, ये शुभ स्थिति नहीं है। हालांकि लाभेश अपने से द्वितीय भाव में गया है, लेकिन देखिए कि बारहवां भाव जो है ये खर्च का भाव है, हानि का भाव है, अस्पताल यात्रा का भाव है, जेल यात्रा का भाव है। तो कई बार लाभेश व्यय में गया है तो खर्च तो उसको होगा ही होगा, पैसे आए और पानी की तरह बह जाएंगे, ये एकदम सही है, एकदम ऐसा ही होगा। और कई बार अस्पताल यात्रा यानी बीमारियों में पैसे खर्च होते हैं, जेल यात्रा या कोर्ट केस में आपको पैसे बर्बाद होंगे, क्योंकि यहाँ पर बैठेगा प्लेनेट तो छठे भाव को देखेगा, छठा भाव कोर्ट केस,
बारहवां भाव जेल, छठा भाव रोग और बारहवां भाव अस्पताल, तो कम्बिनेशन ये बुरा बन जाता है, शुभ कम्बिनेशन नहीं है। और यहाँ पर हम विचार कर सकते हैं आपकी इच्छा पूर्ति में भी बाधा आएगी। अब क्यों बाधा आएगी, आप खुद ही समझदार हैं, जोड़ लीजिए। जितना भी आपके पास अर्निंग आएंगे वो अर्निंग का 80% या 90% आपका व्यय हो जाए, खर्च हो जाए, तो आपकी किसी भी इच्छा की पूर्ति कैसे हो सकती है, ये सोचने वाली बात है। मैंने समझाने के लिए आप लोगों के सम्मुख ये मेष लग्न का कुंडली लिया था। यहाँ पर मेष लग्न में एकादशेश शनि बन जाते हैं, तो आपको ये नहीं समझना है, आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है और एकादश भाव में कोई भी राशि या कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।